नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंश शर्मा। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद में 3 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। यह यात्रा स्कोन प्रचार समिति उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें 3 जुलाई रविवार को श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी के द्वारा संकीर्तन और छप्पन भोग का आयोजन किया जाएगा। वहीं 4 जुलाई को मेहता क्लब से भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ होगा। इस संबंध में नई मंडी पटेल नगर स्थित मनीष कपूर के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कोन प्रचार समिति के चेयरमैन पंकज अग्रवाल और वाइस चेयरमैन कुलवंत सिंगल द्वारा बताया गया कि 4 जुलाई को होने वाली भव्य रथ यात्रा वकील रोड से होते हुए गौशाला रोड, भोपा फ्लाईओवर, मालवीय चौक, सदरा बाजार, कोर्ट रोड होते हुए शिव चौक, एसडी मार्केट, बालाजी चौक से सिविल लाइन फ्लाईओवर से होते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर, गांधी कॉलोनी पर विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगी। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से इस रथ यात्रा में सपरिवार सम्मिलित होने का आग्रह किया। प्रेस वार्ता के दौरान समिति के चेयरमैन पंकज अग्रवाल, कुलवंत सिंगल, अजय कपूर, मनोज खंडेलवाल, मनीष कपूर, सुशील अग्रवाल, अमित गर्ग, आकाश गुप्ता, राकेश सेन आदि मौजूद रहे। इस्कॉन प्रचार समिति द्वारा भगवान जगन्नाथ जी रथ यात्रा का महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष भी मनाया जा रहा है। कोरोना की वजह से हम दो वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए। इस वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ, पूरे जोश खरोश के साथ इस रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 3 तारीख को, दिन रविवार को भगवान जगन्नाथ जी आशीर्वाद बैंक्वेट हॉल में आएंगे। उनके आगमन के उपलक्ष्य में वहां पर एक बहुत दिव्य और संकीर्तन का आयोजन है, जो हमारे साक्षी गोपाल दास जी अध्यक्ष इस्कॉन कुरुक्षेत्र के हैं, उनके द्वारा होगा। फिर वहां पर भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाए जाएंगे और उसके उपरांत एक अमृतमय भंडारे का आयोजन किया जाएगा। उसके उपरांत रात को 11 बजे भगवान जी भीमसेन कंसल जी के निवास स्थान पर विश्राम के लिए जाएंगे। प्रातःकाल 10 बजे वहां पर भगवान जी का श्रृंगार होगा, कीर्तन होगा, फिर 56 भोग के साथ वहां पर भी बहुत सुंदर भंडारे की व्यवस्था की गई है। दोपहर में 3 बजे 4 तारीख को मेहता क्लब से भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि संजीव बालियान जी केंद्रीय मंत्री और कपिल देव अग्रवाल जी राज्य मंत्री, अंजू अग्रवाल जी नगर पालिका से और बंटी स्वरूप जी, भीमसेन कंसल जी और हमारे सभी हमारे शहर के समस्त उद्योगपति, सभी व्यापारी नेता, सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग उसमें आएंगे। यह रथ यात्रा नई मंडी मेहता क्लब से प्रारंभ होकर वकील रोड, गौशाला रोड होते हुए भोपा फ्लाईओवर और मालवीय चौक से सदर बाजार, उसके बाद मनु स्वीट से शिवमूर्ति और एसडी कॉलेज मार्केट के सामने से होती हुई बालाजी चौक, मालवीय चौक, फिर सिविल लाइन थाने के सिविल लाइन फ्लाईओवर से लक्ष्मी नारायण गांधी कॉलोनी मंदिर पर एक विशाल भंडारे के साथ संपन्न होगी। इस्कॉन प्रचार समिति सभी मुजफ्फरनगर वासियों से निवेदन करती है कि सभी लोग भगवान जगन्नाथ जी के रथ के रस्से को खींचे, उनके लिए उनका प्रसाद पाए, उन्हें भोग लगाएं और उनका दर्शन पाए। ऐसा कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने से, उनके रथ के रस्से को खींचने से और उनका प्रसाद पाने से हमारे जन्मों जन्मों के जो पाप हैं उनका नाश हो जाता है और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। चंडीगढ़ से, पंचकुला से, आपके यमुनानगर से आते हैं, इनकी बसें आती हैं और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मिशन होता है, कृष्ण जी का नाम हर जगह फैले, लोग कृष्ण की भक्ति में डूबें, लोग कीर्तन करें, लोग उनके साथ नृत्य करें, भजन करें, प्रसाद का आनंद लें। भगवान जगन्नाथ जी आपके शहर में आए, भगवान जगन्नाथ जी के रथ को रस्ते से खींचें, भगवान को अपने शहर को दर्शन कराएं और अपने हम अपने पापों को खत्म करें। किस तरह इसमें मुख्य अतिथि कौन कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री संजीव बालन जी ने सहमति दे दी है, राज्य मंत्री कपिल देव जी ने सहमति दे दी है, चेयरमैन जो चेयरपर्सन हमारे अंजू अग्रवाल जी हैं उनकी सहमति आ चुकी है और कुशपुरी जी हैं वो हैं, सौरभ स्वरूप जी हैं सपा के जो यहाँ के कैंडिडेट रहे हैं, इन सब लोगों ने अपनी सहमति दी है, ये सब लोग आएंगे। जनपद वासियों से किस तरह का संदेश रहेगा? जनपद वासियों से बस यही है कि भगवान की रथ यात्रा, भगवान आपके घर आ रहे हैं, भगवान आपके घर के सामने से निकलेंगे, भगवान का रास्ता खींचे, भक्ति भक्ति रथ में डूबे और भगवान का प्रसाद पाए। हलचल इंडिया को लाइक सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करना ना भूलें।